नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत रत्न के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो मोस्ट सेलेक्टेड, इम्पोर्टेंट और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑनर इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनर जो है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा ऑनर है इंडिया का। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो होता है वो पहले नंबर का होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। ये चारों जो होते हैं ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 2019 भारत रत्न इज गिवन टू विच पर्सनैलिटी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2019 में। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ईयर भारत रत्न वॉज स्टार्टेड। तो दोस्तों, भारत रत्न जो था वो पहली बार कौन से साल में दिया गया था? तो हमारा आंसर होगा 1954। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों, भारत रत्न जो था वो स्टार्ट हुआ था 1954 से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न वॉज। तो दोस्तों, पहला व्यक्ति कौन था जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहले, जो कि सम्मानित हुए थे 1954 में। ईयर भी पता होना चाहिए आपको। इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु स्टार्टेड भारत रत्न अवार्ड। तो दोस्तों, भारत रत्न अवार्ड जो है उसको स्टार्ट किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने स्टार्ट करा था भारत रत्न अवार्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजेंद्र प्रसाद जो है ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शेप ऑफ भारत रत्न इज लाइक। तो दोस्तों, भारत रत्न जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, वो दिखने में कैसा होता है? तो हमारा आंसर होगा लाइक अ पीपल ट्री लीफ। तो दोस्तों, पीपल ट्री जो होता है उसकी जो पत्ती होती है उसकी तरह दिखने में होता है भारत रत्न। मैंने आपके लिए इस वीडियो में एक फोटो भी डाली है भारत रत्न की। तो दोस्तों, भारत रत्न जो होता है वो ऐसा होता है दिखने में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच मनी इज बींग अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड। तो दोस्तों, भारत रत्न अवार्ड जो होता है उसके साथ कितना मनी प्राइज जो होता है वो अवॉर्डेड किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा नो प्राइज मनी। तो दोस्तों, भारत रत्न अवार्ड जो होता है उसके साथ कोई प्राइज मनी नहीं दिया जाता। जो चारों हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं इंडिया के, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन चारों ही अवार्ड में कोई भी प्राइज मनी अवार्ड नहीं होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न। तो दोस्तों, सबसे कम उम्र के कौन सा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है ये सबसे कम उम्र के पर्सन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
जिनकी उम्र थी 40 साल जब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न इन स्पोर्ट्स फील्ड। तो दोस्तों पहले व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स फील्ड में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है वो पहले पर्सन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था स्पोर्ट्स फील्ड में। और दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे सचिन तेंदुलकर 2014 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रखना है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ईयर भारत रत्न इज अवॉर्डेड टू हाउ मेनी पर्सन। तो दोस्तों एक साल में भारत रत्न मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा 3। एक साल में भारत रत्न से केवल 3 ही लोगों को सम्मानित किया जा सकता है, 3 से कम हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 ही लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न इज प्रेजेंटेड बाय। तो दोस्तों भारत रत्न जो होता है उसको कौन देता है, कौन प्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भारत रत्न प्रेजेंट करते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। करंट प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो है रामनाथ कोविंद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कलर ऑफ द थ्रेड ऑफ भारत रत्न अवार्ड। तो दोस्तों भारत रत्न जो होता है उसमें जो थ्रेड होता है उसका कलर क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा व्हाइट कलर। भारत रत्न का जो थ्रेड होता है वो होता है व्हाइट कलर का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न इज गिवन टू डैश टू नॉन इंडियंस। तो दोस्तों दो कौन से नॉन इंडियन हैं जो कि हिंदुस्तानी नहीं है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला जो हैं इन दोनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और दोस्तों ये दोनों जो हैं ये दोनों इंडियन नहीं है। खान अब्दुल गफार खान जो है ये एक पाकिस्तानी है और नेल्सन मंडेला जो है ये एक साउथ अफ्रीकन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न वॉज। तो दोस्तों इंडियन पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो पहली वुमेन थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न आफ्टर डेथ। तो दोस्तों इंडिया में पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनकी मृत्यु के बाद, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो हमारा आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनकी डेथ के बाद, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न। तो दोस्तों पहले नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान जो थे ये पहले नॉन इंडियन थे जो कि एक भारतीय नहीं थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1987 में, जो कि एक पाकिस्तानी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गेट भारत रत्न। तो दोस्तों पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न इज गिवन इन विच फील्ड। तो दोस्तों भारत रत्न जो होता है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, आर्ट साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विसेज, इन सभी में भारत रत्न दिया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न वॉज प्रेजेंटेड टू मदर टेरेसा इन। तो दोस्तों मदर टेरेसा जो थी उनको भारत रत्न से कौन से साल में सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर होगा
1980। तो दोस्तों मदर टेरेसा जो थी उनको 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पीस के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न इज टोटल अवार्डेड टू हाउ मेनी पर्सन टिल नाउ। तो दोस्तों भारत रत्न जो है वो कितने लोगों को दिया गया है अभी तक, टिल 2020, 2020 तक। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हमारा आंसर होगा 48। तो दोस्तों टोटल अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत रत्न पहली बार दिया गया था 1954 में और अब 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।